हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर, टीचिंग सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे बजट। ठीक है, तो आज अपन जानेंगे बजट के बारे में। बजट किसके द्वारा बनाया जाता है? सरकार द्वारा। राज्य सरकार भी अपना बजट बनाती है और केंद्र सरकार भी अपना बजट बनाती है, और उसके आधार पर ही खर्चे किए जाते हैं। तो बजट क्या है? बजट वह विवरण है जिसके अंतर्गत आय और व्यय का क्या होता है, विवरण होता है। ठीक है, और आय किन किन स्रोतों से प्राप्त की जाती है, यानी आय के स्रोत कौन से होंगे, आय कहाँ से आएगी, इसके साधन क्या होंगे। ठीक है, और इनको आय को किस मदों पर व्यय किया जाएगा, यानी आय को किन मदों पर एक्सपेंसिस किया जाएगा, इसका विवरण बजट में होता है, जो यह हर साल सरकार द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हर साल सरकार द्वारा बनाया जाता है और उसके आधार पर ये योजनाएं लगाई जाती है कि किसके अंतर्गत कितना धन लगाया जाएगा। ठीक है, तो यह है बजट, और यह बनाया जाता है हर साल एक अप्रैल को, फर्स्ट अप्रैल को, और अगले वित्तीय वर्ष एंडिंग 31 मार्च को इसका एंडिंग होता है। तो ठीक है, आज अपन जानते हैं बजट के बारे में और जानकारी क्या होती है। ठीक है, बजट इसके अर्थ की बात करें तो बजट का सामान्य अर्थ बजट का आश्रय आय और व्यय। ठीक है, एक्सपेंसिव, इनकम एंड एक्सपेंसिव, आय व्यय के विस्तृत, कैसा विस्तृत, यानी संपूर्ण विवरण, विस्तृत, विस्तार पूर्वक होता है। तो बजट का अर्थ क्या है? बजट का आश्रय आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे से होता है, जिसके अंदर आय का विस्तृत विवरण होगा, टोटल इनकम कहां से होगी, वो सारे मदे इसकी स्रोत। ठीक है, और व्यय के मदे कौन कौन सी है, किन किन मदों पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, और इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि आय, ठीक है, आय कहाँ से या किन किन स्रोतों या साधन से होगी, और वे किन मदों पर किया जाएगा, इसका संपूर्ण द्वारा या इसका संपूर्ण विवरण किसमें होता है, बजट में होता है। तो यह है बजट का एक सामान्य अर्थ, जिसके अंतर्गत आय और व्यय का क्या होता है, ब्यौरा होता है, विस्तृत ब्यौरा होता है, व्यापक विवरण होता है, और इसके अंतर्गत
बजट के आय व व्यय का अंतर अंतर क्या बताता है, लाभ या घाटा, घाटा होता है। बजट का आय व्यय का अंतर क्या होता है, लाभ या घाटा होता है। जिसमें आपने टोटल इनकम इतनी हुई उसके ऊपर आपने इतना खर्चा करा और खर्चे यानी आपके क्या हुआ, खर्चे कम है और इनकम ज्यादा, यानी आपने पूरा साल का बजट बनाया सरकार द्वारा, ठीक है, और आय के स्रोत के द्वारा वो टोटल इनकम बता दी गई कि ये इतनी करोड़ रुपए या इतनी धनराशि होगी और इन इन मदों पे व्यय की जाएगी। वो कार्य पूरा हो जाता है फिर भी धनराशि बच जाती है, यानी मदे एक्सपेंडिचर तो कम है और इनकम ज्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा, वो स्थिति कहलाती है प्रॉफिट या लाभ की स्थिति, ठीक है ना, वो जाती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट की। यदि आय कम बढ़ गई और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, यानी कि उसमें बैलेंस लग गया माइनस में, तो यह कहलाता है आपका घाटा आएगा लॉस में, ठीक है। तो यह हो जाता है इसका अंतर, डिफरेंस क्या हो जाता है, आय अधिक है और खर्चे कम है तो प्रॉफिट की स्थिति, और खर्चे ज्यादा है और आय कम है तो घाटे की स्थिति होती है। ये किससे मालूम पड़ता है, सरकार को बजट के द्वारा, इसलिए बजट बनाया जाता है जिसके अंतर्गत धनराशि का कैसा हो, आवश्यकता के अनुसार उस पर व्यय हो, यानी किसी तरह का कोई भी फालतू एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो और आए किसी को हमारे पास बचे भी और हमारा काम भी हो जाए, इसलिए बजट बनाया जाता है। जिसके अंतर्गत आय व्यय का संपूर्ण विवरण से सरकार को ज्ञात हो जाता है कि इन इन चीजों पर ये आवश्यक खर्चे और इन पे व्यय हो गई, ठीक है ना। और बजट बजट में आय बजट में आय और व्यय का संपूर्ण पूर्ण अनुमान होता है और उसी के आधार पर भविष्य फ्यूचर में वे किए जाते हैं, ठीक है। बजट के अंदर पूरा इसका अनुमान लगा दिया जाता है, अनुमान के आधार पर ही फिर उस इनकम को वे किया जाता है। और सरकार सरकार एक वर्ष के लिए आय और व्यय अनुमान लगाती है और सरकार द्वारा जो बजट का बनाया जाता है
सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को बजट प्रारंभ होता है और 31 मार्च को और एंडिंग होता है। और इसके अंदर क्या जानते हैं, और बजट से संबंधित पॉइंट क्या है कि भारत सरकार के बजट की स्वीकृति कौन देती है, संसद देती है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार जो देश की सरकार है उसके द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है, संसद स्वीकृति देती है, वो बजट पारित हो जाता है, ठीक है। और राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार के बजट की स्वीकृति और यदि विधानसभा ने विधान सभाएं देती है, तो संसद तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के बजट की विधानसभाएं इसके बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बजट पारित हो जाता है, फिर इसके अनुसार ये बजट पे कार्य किया जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने ये जाना बजट के बारे में, और बजट के और उद्देश्य भी होते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें देश के आर्थिक विकास के लिए है ना, और इसके अंतर्गत आय और व्यय का पूर्ण संपूर्ण ब्यौरा होता है, तो इसको सरकार को सहायता मिलती है। तो अब आपका घरे घरे क्वेश्चन है, इसमें बजट से आप क्या समझते हैं, समझाइए। यानी बजट क्या है, बजट से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है, जो भी करनी पड़े। ओके स्टूडेंट, अपने आप का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।